आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि रुद्राक्ष के बारे में हमें बताएं कि कितनी चमत्कारिक इसकी महिमा है, साथ ही इसके प्रकार कौन से होते हैं। बिल्कुल, रुद्राक्ष के बारे में सबसे बढ़िया आपको जो वर्णन मिलता है वो शिव महापुराण के माध्यम से श्रीमद देवी भागवत के उत्तरार्ध या जो द्वितीय खंड है उन खंडों के माध्यम से बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है। और रुद्राक्ष का जो एक पूरा मतलब है, इसमें दो शब्द हैं, संधि विच्छेद करने पर रुद्र और अक्ष, रुद्र धन अक्ष यानी शंकर जी के आंसू। इसका जो प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मानना है शास्त्रों का शिवपुराण के अनुसार कि जब भगवान शिव सती जब अग्नि में प्रवेश करती हैं, दक्ष के यज्ञ में प्रवेश करती हैं, उस समय सती के शरीर को लेकर के भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में दौड़ते हैं और वो हृदय से लिपटाए हुए भागते हैं। तो उस समय सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वो तो स्थान हुआ देवी का प्राकट्य स्थल और सिद्धिपीठ के नाम से, शंकर जी के जो प्रेम के आंसू निकले आंखों से वही बना रुद्राक्ष, रुद्र के अक्ष यानी आंसू। तो ये इनका जो प्रकार होता है वो एक से लेकर के और 14 मुखी तक पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग कामनाओं के अनुसार इनका फायदा होता है। जैसे कि विशेषकर जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर बात करें तो इसके मुख्य जो ग्रह हैं वो भगवान सूर्य नारायण है। इससे हृदय रोग की जो है नेत्र रोग और सिर दर्द का जो कष्ट होता है वो बिल्कुल दूर होता है, चेतना का द्वार खुलता है, मस्तिष्क का विकार जो होता है दूर होता है, मन का विकार दूर होता है, लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। अब अगर दो मुखी रुद्राक्ष की अगर बात करें तो जो अगला स्वरूप है उसका ग्रह जो कारक है वो चंद्र देवता है, शिव का और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने पर जो मनुष्य धारण करता है उसका फेफड़ा, गुर्दा, वायु और आँख के रोग ठीक होते हैं, इन रोगों से रक्षा भी होती है, माता पिता के लिए भी शुभ माना जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष की अगर बात करें, जो तीन मुखी रुद्राक्ष अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या क्या लाभ होता है, ये मंगल ग्रह का प्रतीक होता है, साथ साथ भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं तो भगवान शिव के रूप में भी माना जाता है। महाकाली जी त्रिनेत्रा है तो इनके रूप में भी तीन मुखी रुद्राक्ष मान्य है, अग्नि स्वरूप है। इससे हमारे जीवन में शरीर में रक्त विकार, कमजोरी, मासिक धर्म में कोई दिक्कत, अल्सर आदि में लाभप्रद होता है और हमारा जो आज्ञा चक्र है मस्तिष्क, इस आज्ञा चक्र को खोलने का पूरा काम करता है। अगर हम बात करें चार मुखी रुद्राक्ष की तो चार मुखी रुद्राक्ष भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ कहते हैं कि इसके मुख्य देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं, चार मुख के देवता हैं, इसीलिए ये रुद्राक्ष ब्रह्मा जी के नाम से माना जाता है। बुध ग्रह इसका स्वामित्व है यानी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वैज्ञानिक लोगों के लिए, शोधकर्ता लोगों के लिए और चिकित्सक पहने तो उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मानसिक रोग के लिए, बुखार के लिए, पक्षघात रोग के लिए, नाक की बीमारी में बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। हम बात करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। जो पांचमुखी रुद्राक्ष है यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है और यह जल्दी सुलभ भी मिल जाता है। यह सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है। बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है, विशेषकर मधुमेह, जिनको शुगर की दिक्कत है, शुगर का ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इनके लिए साथ साथ गुर्दे की बीमारी, इनमें धारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिसका बृहस्पति कमजोर हो जन्म कुंडली में, इन लोगों को भी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हम बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। तो शिव जी के पुत्र जो कार्तिकीय हैं, षटमुख भी कहते हैं उनको, कार्तिकीय का प्रतिनिधित्व करता है। यह शुक्र ग्रह का सत्तारूढ़ है। जिनके कुंडली में शुक्र कमजोर हो, शुक्र से संबंधित कोई दिक्कत हो जीवन में या दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत हो, उन लोगों को छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और राज दरबार में भी विजय प्राप्त कराने वाला होता है। हम बात करते हैं अगली सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो सात मुखी रुद्राक्ष कहता है कि जो है शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, भगवती महालक्ष्मी के रूप में भी होता है, सप्त ऋषियों का भी कारक माना जाता है, लक्ष्मी की कृपा, हड्डी के रोग भी इससे दूर होते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष की अगर बात करें तो भैरव का स्वरूप माना जाता है, भगवान भैरव की जो शिष्य हैं उनको जरूर धारण करना चाहिए, हर तरह से विजय प्राप्त कराने वाला। भगवान गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है, नेत्र रोग, त्वचा रोग से छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है उनको भी आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नौ मुखी रुद्राक्ष की अगर बात करें तो ये नौ ग्रहों के उत्पाद को, इनके प्रकोप को ठीक करता है और साथ साथ मुक्ति का मार्ग, साथ साथ सभी रोगों को भी शांत करता है। बात कर रहे हैं हम दस मुखी रुद्राक्ष की, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसे धारण करने से जीवन पवित्र हो जाता है, विचार पवित्र बनता है, अन्याय करने का मन नहीं होता। अगर व्यक्ति अन्याय रास्ते पर जाता है तो उस व्यक्ति को भी दस मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना चाहिए। बात करें ग्यारह मुखी रुद्राक्ष की तो रुद्र के ग्यारहवें स्वरूप के प्रतीक भगवान जो हनुमान जी हैं उनका भी कारक है और साथ साथ धर्म का भी मार्ग इससे मिलता है, धार्मिक लोगों का संग मिलता है, तीर्थ यात्रा, ईश्वर की कृपा और जो मनोकामनाएं हमारी होती हैं वो भी इससे सिद्ध होती हैं। हम बात करें बारह मुखी रुद्राक्ष की, इंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए और मानव शरीर को सुख देता है, सांसारिक सुख प्रदान करता है, दरिद्रता को दूर करता है, हड्डी के रोग, जोड़ों के दर्द, दांत का दर्द आदि रोगों से बचाता है।
13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये इस तरह काम करता है। बात करें हम 14 मुखी रुद्राक्ष की, तो भगवान शंकर का भी प्रतीक माना जाता है। शनि के प्रकोप को दूर करता है, त्वचा के रोग, बाल के रोग, उदर यानी पेट के रोग को दूर करता है और शिव भक्त बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। जी